वंदे मातरम। चाहती हूँ कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए। स्वतंत्रता सेनानी और बहादुर सैनिकों के बीच कुछ कहानियां अनसुनी और अनकही रह जाती है। हम देश के उन असली नायकों को नहीं जानते जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपनी जान की बाजी लगा दी। हमारे देश की कुछ असाधारण महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब राष्ट्र सेवा की बात आती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इनमें से कुछ महिलाओं को जानें जिन्होंने निडर होकर बिना कुछ सोचे दुश्मन के इलाकों में कदम रखा, जिन्होंने अपनी दिलेरी, बहादुरी और विवेक के साथ अपने राष्ट्र की सेवा की। सरस्वती राजमणि। भारतीय महिला जासूसों की जब हम चर्चा करते हैं तो इनमें सबसे प्रमुख और अग्रणी नाम राजमणि का आता है। इनका संबंध एक अमीर परिवार से था। इनके पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। आजाद हिंद फौज जिस कारण से लड़ रही थी उससे प्रभावित होकर राजमणि ने अपने सारे गहने दान दे दिए। उनके साहस और दृढ़ संकल्प को देखते हुए नेताजी ने उन्हें सेना में शामिल कर लिया। राजमणि को ब्रिटिश सेनाओं पर जासूसी करने और सभी सूचनाओं को आगे बताने का सबसे कठिन काम दिया गया था। उन्होंने 5 लड़कियों को लड़के के वेश में तैयार किया और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। एक रास्ते से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। राजमणि अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों के कैंप में घुस गई। दोस्त को उन्होंने छुड़ा लिया परंतु एक गोली उनके पैर में लग गई और वो घायल हो गए। इलाज के बाद राजमणि ठीक हो गई और उन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी करना शुरू कर दिया। आज राजमणि बहुत ही सरल और औसत जीवन व्यतीत कर रही है। नूर इनायत खान। नूर इनायत खान 1914 में मास्को में जन्मी थी जो टीपू सुल्तान की वंशज थी। उन्होंने विशेष संचालन कार्यकारी ASO के साथ गुप्त एजेंट के रूप में काम किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम के तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नाजी मोर्चे को खत्म करना था। इनायत खान चर्चिल द्वारा तैनात नाजी कब्जे वाले फ्रांस में भेजे गए पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी। वह जर्मन बलों द्वारा बनाई गई कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों और योजनाओं को प्रसारित करने में कामयाब रही, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें जर्मन पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। काफी प्रताड़ित करने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें बहादुरी के लिए 1949 में मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। अजीजुनबाई। अजीजुनबाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाना साहेब और टाट्या टोपे के संघर्ष से काफी प्रभावित थी। वह पुरुष सिपाही की तरह कपड़े पहनती थी और अपने साथ पिस्तौल लेकर चलती थी। उनके घर पर अन्य सिपाही की बैठक होती थी। अजीजुनबाई पेशे से एक वैश्या थी। वह उन ब्रिटिश अधिकारियों की प्रमुख जानकारी लीक करती थी। वह अपने काम में इतनी कुशल थी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने मनोरंजन के लिए उन्हें अपनी पार्टियों में बुलाया करते थे। उन दिनों के दौरान उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की गुप्त रूप से हत्या भी कर दी थी। देखते देखते अजीजुन ने ऐसे काफी कारनामों को अंजाम दे दिया। जब अंग्रेजों की इन बात की खबर लगी तो अंग्रेज तिलमिला उठे। अजीजुन को सबके सामने तोप के मुंह में बांध कर अंग्रेजों ने उड़वा दिया और वह अपने राष्ट्र के लिए हंसते हंसते शहीद हो गई। दुर्गा देवीवास। इन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय क्रांतिकारी प्रोफेसर भगवती चरण बोहरा से बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई। चंद्रशेखर आजाद के साथ एक बम परीक्षण के दौरान काफी कम उम्र में ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके बाद दुर्गा भाभी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गई। वह एक क्रांतिकारी महिला और जासूस थी। एक बार वह स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को भगत सिंह की पत्नी बताया। एक घटना के दौरान एक ट्रेन में 500 से अधिक अंग्रेज सिपाहियों को ठगने के लिए उन्होंने भगत सिंह पत्नी का किरदार निभाया। तब राजगुरु ने एक नौकर का रूप धारण किया। भगत सिंह के लिए उन्होंने 3,000 रुपए के गहने बेच डाले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गाजियाबाद में उन्होंने अपनी जीवन किसी तरह व्यतीत किया। 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। सहमत खान। सहमत खान एक काल्पनिक नाम, उनका रियल नाम क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं चल पाया। सहमत खान की भूमिका पर 2018 में राजी नाम से हिंदी फिल्म बन चुकी है। यह एक भारतीय कश्मीरी लड़की थी जो पाकिस्तान में अंडरकवर हो गई थी। उनकी शादी एक युवा पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाक भारतीय सेना के एक सेंटोर श्रेणी के विमान INS विराट को डुबाने की योजना बना रहा था।
सहमत खान के प्रयास और साहसिक कदम के बदौलत भारतीय सेना पाक सेना से हमेशा की तरह एक कदम आगे रहते हुए इसे इस संकट को रोक पाया था। सहमत खान भारतीय जासूस के इतिहास में वह नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। बाद में जब वह भारत लौटी तो वह अपने पाकिस्तानी पति के एक बच्चे के साथ गर्भवती थी। वह बच्चा वर्तमान में भारतीय रक्षा बल में सेवारत है। ये थी भारत की कुछ ऐसी महिला जासूस जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन महान महिलाओं को फैक्ट कॉटेज परिवार पूरे दिल से सम्मान करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही देशभक्ति, रोचक, रोमांच, विज्ञान, रहस्यमय वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।